नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे तिरुपति बाला जी की मूर्ति इतनी शक्तिशाली क्यों है। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता है। भारत के सबसे प्रमुख और प्रचलित धार्मिक स्थानों में से एक है। हर साल इस मंदिर में श्री बालाजी के दर्शन हेतु लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस मंदिर को तिरुपति वेंकटेश्वर के मंदिर के नाम से इसलिए माना जाना जाता है क्योंकि यह मंदिर तिरुमला की बहुत ही सुंदर वैकुंठ की पहाड़ियों पर बना हुआ है और बहुत ही आकर्षित है। भगवान वेंकटेश्वर जी को स्वामी भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि विष्णु जी ने पुष्पकर्णी नामक तालाब के किनारे कुछ समय बिताया था जो तिरुनाला के पास मौजूद है। भगवान विष्णु जी के अवतार बालाजी का निवास तिरुपति वेंकटेश्वर के मंदिर में है। यहाँ भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक मूर्ति के रूप में विराजमान है। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर भी कर देंगी। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ आकर्षक बातें। इस मंदिर में भगवान के सामने एक मिट्टी का दिया अनेक वर्षों से जल रहा है, आज तक कभी नहीं बुझा है, ऐसे ही जलता आ रहा है। यहाँ जो मंदिर में प्रतिमा है उसके बाल असली है और बहुत मुलायम भी। ये बाल आज तक कभी उलझते भी नहीं है। यहाँ जो भक्त आते हैं वो अपने बालों को भगवान वेंकटेश्वर जो चढ़ावे के रूप में अर्पित करते हैं। इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि जो भी भक्त अपने बाल यहाँ अर्पित करता है भगवान उस बाल की कीमत से कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। यह भी कहा जाता है कि हम जितने भी कीमत के बाल देते हैं भगवान उस कीमत से 10 गुना ज्यादा की कीमत वापस लौटा देते हैं। यहाँ जो भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा है उसका तापमान 990 डिग्री बनी रहती है। देवता को अभिषेक के दौरान नियमित रूप से पसीना आता रहता है और यहाँ की प्रतिमा हमेशा भीगी रहती है चाहे इसको जितना मर्जी कपड़े से सुखा लिया जाए। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान बालाजी के बचपन में पिटाई करने हेतु अनंता अलवर इसी छड़ी का इस्तेमाल करते थे। वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर भक्त जन भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के बाद लोगों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी मान्यता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उसको जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। तो धन्यवाद, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।